नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गंगोत्री यूट्यूबर्स पर। और आज देख रहे हैं कि ये जो पेड़ हैं कितने सुहाने हैं, और इसके नीचे से जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है बिल्कुल पांगरी के लिए। तो आज हम सब लोगों का यहाँ पर प्लान बना कि आज पांगरी में जाया जाए और वहाँ पर मैगी पार्टी की जाए। और इसमें मुख्य भूमिका निभाई हमारे अरुण मामा जी, जो कि बसीली से बिलोंग करते हैं और बहुत ही विद्वान पंडित हैं, आचार्य जी हैं। तो इनके सानिध्य में आज पांगरी में आगमन हुआ है, और ये जब जब यहाँ आते हैं तो हमें पांगरी ज़रूर ले जाते हैं। पांगरी इनका बेस्ट जगह है, और ये जोगत का मिनी कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है ये पांगरी। इसे मैं आपको एक व्यू दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ये सेम नागराजा टेम्पल के लिए रास्ता जाता है यहाँ से पांगरी होते हुए। यहाँ से पहला चरण शुरू होता है सेम नागराजा की पैदल यात्रा की, और ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये है चौंडियान, और ये धमिया जो पड़ता है, और ये ऊपर पांगरी। साथ ही साथ इसके ऊपर दीव का एक बहुत बड़ा विशाल पर्वत है। वाह भाई वाह, यहाँ का दृश्य बड़ा गजब का है। बड़ा मजा पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर लोगों ने पूरी मेहनत से और शिद्दत से अपने खेत अपने बगीचों को संभाल के रखा हुआ है, काफी मेहनत की दोबारा। जी हाँ जी, यहाँ का नाम है क्या सौड़, ये पांगरी का सौड़। और यहाँ पर पांगरी वाले जो है पानी भरते हैं, और देखिए किस तरह से भरते हैं, हम अभी आपको लाइव डेमो दिखाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर छोटा सा तालाब है एक पानी का, वैसी आगे भी है, और जो बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध है, बिल्कुल ठंडा, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप। और देखिए यहाँ पे जो आप मंत्र सुनी चुके होंगे, जब यहाँ पर पहली बार पानी पिया जाता है तो मंत्र का प्रयोग किया जाता है ताकि ये पानी चढ़े ना। और यहाँ से काफी खतरनाक रास्ता, उपयुक्त जगह। और ये देखिए जोंक लग चुकी है इनके पैरों में, ये आप देख रहे हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जोंक ही बोलते हैं इसको, जोंक। इसको वैसे गढ़वाली में जोंक बोलते हैं, लेकिन जोंक ही है, जोंक। कुछ और बोलते हैं, हिंदी शब्द है जोंक। अच्छा, ये जो है आदमी का खून चूस लेता है, पैरों पे चिपक जाता है। अरे काम है तुकी मंगा जो ये क्या बनता डेली तू नहीं यार, यू आर सो परले यार। देखिए पानी की व्यवस्था पूरी की जा रहे हैं यहाँ पर, हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, खासकर हमारे साथ कामे जगुड़ी, जो कि हर काम में जो है इतना जबरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, काबिले तारीफ है ये। तो हम जल्दी पहुँचने वाले हैं गोटे में, और ये इस खतरनाक रास्तों से हम रास्ता तय कर रहे हैं, आप आगे देख रहे होंगे। सबसे आगे हमारे सबसे परम विद्वान अरुण मामा जी, उसके पश्चात है हमारे हितेश जगुड़ी, आचार्य हितेश जगुड़ी, और तत्पश्चात हमारे गुरुजी अध्यापक दीपक जगुड़ी, जो कि आचार्य भी हैं। हैं, अच्छा, वो बहुत जल्द हम एक छानी में आ गए हैं, पहुंचने वाले हैं जहां पर हम आज मैगी का प्रोग्राम बिठाएंगे, और वहां पर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट स्वादिष्ट मैगी बनाएंगे। और ये है, देख रहे हैं आप आगे, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे जहां पर हम मैगी बनाने वाले हैं छानी। और मामा जी बैठ चुके हैं छाया में, पेड़ की छाया में, और जो हमारे कामेश जगुड़ी हैं, इन्होंने आगे आके यहाँ पर पूरा प्रबंध किया हुआ है। एक कढ़ाई रखी हुई है, और ये यहाँ पर चूल्हा है जहाँ पर अभी हम मैगी बनाने वाले हैं, और इसको बोलते हैं टंडक, जहाँ पर सूखी घास पात यहाँ पर रखते हैं, और ये पशुओं के चारे के काम आते हैं। और ये टंकी पूरी सड़ चुकी है, और ये जो जगह है यहाँ पर हम काफ़ी रेड़ा घोस खेलते थे, मतलब कि यहाँ से ऊपर से बैठ जाते थे और फिर नीचे यहाँ तक पहुँचते थे। जी हाँ, अगर गढ़वाली में बोलो तो पलड़ पार बैठता है, वो तब ठेठ बैठ नंद है। हाँ बताइए मामा जी,
इस पेड़ को हमने सन 2003 में लगाया जी, जो कि आज अच्छी फसल दे रहा है। इसमें अच्छे अच्छे अखरोट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और आज यहाँ पर आने का सौभाग्य हमारा 6 साल बाद हुआ। 6 साल पहले जब मैं आया तो यहाँ पर सेब भी दिखाई दे रहे थे, आज वो नहीं दिखाई दे रहे। हाँ जी, क्या कारण? सेब भी जरूर दिखेंगे आपको। एक और बात मामा जी, जैसे आप बता रहे थे कि जब आपकी सगाई हुई थी ना, मतलब जब आपका सबसे पहली बार रिश्ता पसंद करने ही इधर आए थे, तो सबसे पहले आप इधर ही घूमने आए थे यहाँ? सबसे पहले मैं 10 जून 2004 को हाँ अपने मित्र के साथ यहाँ आया, तो यहाँ पर मैंने देखा सबसे पहले सेब, सेब का सेवन किया गया। हाँ, और यहाँ पर पानी उस जगह से लाए हैं जहाँ पे अभी मैंने स्रोत बताया था आपको, और ये पनियाला से आए हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पैनोली। जी हाँ, नाम बताइए। पानी की व्यवस्था हो चुकी है और काम शुरू हो चुका है। कढ़ाई तो हल्का हाथम थोड़ा हो साहब, तो जोर लाओ पड़ता है। तो काफी अनुभव अपना साझा करते हुए, तो अभी हम प्रवेश करने वाले हैं इस घर में जहाँ मैगी बनाने वाले हैं। पहले बाहर प्लान था हमारा मैगी बनाने का, और ये मैगी देखिए आप, बहुत सारी पैकेट लाए रखी हैं। और ये हमारे हितेश जगुड़ी पूरे अनुभव का प्रयोग करते हुए इस आग जलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और दांत उड़ला दे होला, छोटी छोटी चीजें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जो पुराने जमाने में मिलती थी। और देखिए जैसे इस तरह से रहते थे, ये जो आप देख रहे हैं ये नमक रखने का जगह थी, मतलब इसमें नमक रखा जाता था। अरे बोतलें तेल भरी जाती थी, मिट्टी का तेल उपयोग में लाया जाता था ताकि रात को जो है उजाला कर सके। ये हमारी कुछ पौराणिक चीजें यहाँ दिखाई दे रही है जी मामा जी, क्योंकि यहाँ पर सन 1962 से रखी गई, वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए लैंप, ये देखिए लैंप मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह के लैंप होते थे, इस पे बत्तियां लगा के इसमें मिट्टी का तेल भर के तब जाके यूज होता था, और इसमें दही रखी जाती थी। ये देखिए भाई साहब, इसको ठेकी, और इसको बोलते हैं। और यहाँ पे पानी क्या होगा, सुंदर आसन बिछता हुआ। मैगी की तैयारी होने लग गई है, हमारे दीपक जी पूर्ण सहयोग देते हुए प्याज और टमाटर काटने में। Thank you.